अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को चाचा शरीफ का ओल्ड स्टेशन दिखाऊंगा, रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे फिश मिलती है, वो भी ट्राई करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम जो है ना शहर के बीचों बीच ठहरे हुए हैं अड्डे पे, चाचा शरीफ का ये मेन अड्डा है। यहाँ से यार कुछ पैसे निकलवाने थे, जैस कैश, तो वो निकलवाए हैं। और अभी हम जाएंगे सीधा पुल पे रिवर साइड, वहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं। वहाँ पे जो है ना फिश बनती है बड़ी मज़े की, वो ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद घर की तरफ। अभी चलते हैं, फिश खाते हैं, रात हो गई है, भूख भी लगी हुई है। चलो वकास भाई। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की, और बचपन भी यहीं पे गुजरा है, जवानी भी और वफात भी इसी शहर में हुई है। उनके घर में जो है ना, आपको पीछे जो दिखा के आया हूँ, उनके महल, उनका डेरा, मस्जिदें, और उनकी जो वफात के बाद उनको जहाँ पे दफनाया गया ना, वो है कोट मिठन। मैं वो टाइम निकाल के जो है ना कोट मिठन शहर का भी आप लोगों को विजिट कराऊंगा। उनकी मज़ार बनी हुई है, सिर्फ मज़ार है उधर। हाँ, सिर्फ मज़ार है, उनको वहाँ पे दफनाया गया है। तो ये देखें जी, जहाँ की मैं बात कर रहा था, ट्रेन स्टेशन, ये ट्रेन स्टेशन है जो बहुत ही कदीम है। ये बहुत ही कदीम है, ये अब जो है ना बस खंडर बना हुआ है। ये नवाज शरीफ के पहले दौर में ख़त्म, ये किसी दौर में लोग बड़ी दूर दराज से सफ़र करके जो है ना यहाँ पे आया करते थे। ये करते ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये चाचड़ा जो है ना लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब तो वर्कशॉप बन गया मेरे साथ, अब तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है यहाँ पे। वर्कशॉपें हैं, पता नहीं क्या है ये सामान, वर्कशॉप है, ट्रैक्टर वर्कशॉप बना हुआ है जी, ये हाल है। अब ये देखिए पुराने बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं। ये देखिए ना, बहुत ही पुराना जो है ना ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे टिकटें मिलती मिला करती होती थी, लेकिन फिलहाल ये जो है ना गैराज बना हुआ है। ये देखिए ना, इसका ऊपर से डिजाइन देखेंगे, ये प्लेटफॉर्म था, इधर रुकते थे गाड़ियाँ और वेट करते थे लोग यहाँ पर गाड़ी। ये इसका सहन है, ये इसका सहन है, ये अंदर अब जो है ना अब पैसेंजर वगैरह बैठा करते होते थे। ये इस तरह का बना हुआ है, यहाँ से जो है ना हम इंटर होंगे। अभी मैं थोड़ा सा चल के जो है ना आगे का भी व्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। वहाँ से इंटर होने की जगह है, यहाँ से बाहर निकलने की जगह है। भी देखें छपरा बना हुआ है, फिश रखी हुई है, फिश की खुशबू बड़ी है। यहाँ से गुजरोगे आप लोग, ऐसे नहीं जाओगे भाई, यहाँ से फिश खा के जानी पड़ेगी। यहाँ पे जो खुशबू होती है ना फिश फ्राई की, ओए होए। एक दफ़ा हम यहाँ पे भी आए थे बहुत टाइम पहले, यहाँ से हमने फिश खाई थी इस जगह से। इसका इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी वो एक नई जगह बनी है जो पीछे देख के आए हैं,
उसका जो है ना अभी जाके टेस्ट करते हैं। सखी लाल फिश पॉइंट पे, यहाँ पे जाते हैं फिश फ्राई कराते हैं, फिश खाते हैं। ये देखो जी, तो बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, यहाँ पे हम फिश खाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है सही? केड़ी मछली पिया पानी मछली पसंद करो जी, हुकम दे कह रहे हैं जी, मछली देखें पसंद करें। ये डंबरा है, ये सिंगारा है, ये केड़ी होगा, ये पता नहीं कौन सी है यार, इसका नहीं पता। ये कौन सी है? थेला? थेला है, डमरा है, सिंगारा है। अच्छा, इसमें डमरा पड़ा हुआ है, ये उन्होंने बर्फ डाली हुई है ताकि ये खराब ना हो। बेहतरीन है भाई, कमाल। और इसमें क्या है भला? बोतल वगैरह पड़ी हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स है इसमें। इसमें कोल्ड ड्रिंक और दही रायता वगैरह ये पड़ा। चलें, ये इनका किचन है, जो छपरा टाइप किचन है। फिश फ्राई हो रही है। और चाचा सिंह क्या हाल है, ठीक हो? केड़ी फिश बने दे पे थी? डमरा फिश बन रही है जी। ये देखें जी, उन्होंने यहाँ पे जो है ना बैठने के लिए जगह बनाई है, अभी सर्दियाँ आ रही हैं। ये देखें, अच्छा एक दूसरा ये भी है, बहुत ही उम्दा है। अच्छा भाई, हमने फिश मंगा ली है, फिश दिखाओ वकास भाई। ये देखें जी, फिश हमारी आ गई है माशाल्लाह। ये देखें किस तरह प्यारे प्यारे पीसेज उसने दिए हैं, ये देखें गरम गरम धुआं निकल रहा है। ये रायता भी इन्होंने साथ दिया। वकास भाई ये आपका हो गया, सही हो गया, और ये एक मेरा हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। ये रोटी है, ये यार इसका जो है ना अब टेस्ट करते हैं। हाँ, टेस्ट करके बताओ। इन्होंने कांटे वगैरह इसके उतार लेते हैं ध्यान से। हाँ यार, ऐसे ना हो फिर कांटा फंस जाए यार इसको, थोड़ा इसमें ना है। बताना भाई टेस्ट कैसा है इसका? भाई बेहतरीन, बड़ी स्पाइसी किस्म की बनी हुई है, कमाल है भाई जान। फिश पकौड़ा कमाल है, बहुत ही जो है ना मज़े की इन्होंने फिश बनाई हुई है। ये देखें जी, बड़ा बेहतरीन कमाल। मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, आप लोग जब भी यहाँ पे आए ना, यहाँ फिश लाजमी जो है ना आप लोगों ने ट्राई करनी है, बहुत ही लजीज है। अच्छा, फिश खाने के बाद जो है ना अब हम वापस जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे भी बैठने की जगह बनाई हुई है इन्होंने दूसरी साइड। यहाँ से आउट होने का रास्ता है, बाहर निकलने का। अभी फिश खाई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जो है ना अच्छी फिश बनी हुई थी, लजीज, क्रंची क्रंची।